कल कितनों ने वो एग्जाम्पल पढ़ के कुछ समझे? कितनों ने समझ यस सर, गए? यस सर, यस यस सर, ओके। यस सर, कितनों पढ़े बिल्कुल समझ नहीं आया कुछ कुछ? कितनों ने पढ़े लेकिन समझ में नहीं आया, बताओ। अरे बताओ ना, क्या डरते क्या हो? पढ़े लेकिन समझ में नहीं आया, बताओ। अरे बताओ ना, एनीबडी इज देयर जो कि एग्जाम्पल को पढ़े लेकिन समझ में नहीं आया, बताओ। स्नेहा जी, यस सर, आपको समझ में नहीं आया, फिर क्या हुआ? नो नो सर, अच्छा, और कितनों को? इज देयर एनीबडी हु वेंट थ्रू दैट दोज एग्जाम्पल्स बट डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट एवर वाज रिटन? कैन यू एक्सप्लेन द सेकंड एग्जाम्पल? यस यस, आई विल आई विल। और कितनों को? और कितनों को? सर यस रुणा, तेरे को? ओके, और कितनों को? सर मेरे दाव के सर पास एग्जांपल में सर वो 23 क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन। और कितनों को? सर आई कैंट मेरे अंडरस्टैंड को हाउ 2a+22 डी एंड ओके देयर ही ओके टेक 23। ओके, गॉट इट गॉट इट। तुम क्या नहीं समझे वो मुझे पता है, मुझे पता है तुम लोग क्या जो नहीं समझ पाए, कौन सा चीज़ नहीं समझ पाए वो मुझे पता है, वो मुझे मालूम है, बस खाली बताओ और कितनों को। अच्छा कितने समय ट्राई किए थे एग्जाम्पल में सब आप? 15 मिनट 20 मिनट ट्राई किए होंगे? पंद्रह बीस यस मिनट सर, पंद्रह नो बीस सर, मिनट 30 आवर सर, थर्टी उससे मिनट ज्यादा सर, 30 मिनट यस सर, उससे ज्यादा, मतलब यस सर, मैं मोर देन यस। जिनका उसमें डाउट डाउट रहा है, आप लोग उस सवाल को शायद आधा घंटा या फिर 35 मिनट या फिर 40 मिनट ट्राई किए होंगे, उसका छोड़ दिए होंगे, और वो 40 मिनट में कुछ समय डिस्ट्रैक्ट भी हो गए होंगे। तो देखो बेटे, ऐसा नहीं करना, जब तक वो नहीं समझे तब तक खाना पीना बंद कर दो। ऐसा करो तभी पढ़ाई होगा, मतलब मम्मी को बोलो कि मम्मी हम रात को तभी खाएंगे जब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूँगा फिर जाके खाना खाऊँगा। वो करना शुरू करोगे तो जाके पढ़ाई होगा, मेरे पास समझ रहे हो? जब तक आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक आपको चैन की नींद नहीं आना चाहिए, मेरे पास समझ रहे हो? वैसा करोगे तो लाइफ में सक्सेस पाओगे। अरे गॉट इट? यस सर। हाँ, कभी भी आज का काम को कल को नहीं रखोगे, मतलब आज ये नहीं हो रहा है कल कर देंगे, ऐसा मत करना। हो सके तो कल का काम आज कर लेना, लेकिन आज का काम कोई कल के लिए मत करना, प्रोक्रेस्टिनेशन गलत बात है, ठीक है ना, अच्छा बात नहीं है। और ऐसा मत समझो कि जो जो समझ गए वो बहुत इंटेलिजेंट है और जो आप नहीं समझ पाए वो कम इंटेलिजेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नो नॉट एट ऑल। जो समझ गए वो क्यों समझ गए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक है शायद वो मतलब वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, मतलब पूरा मतलब फोकस करके उसको समझे हैं, ठीक है, वो जल्दी समझ गए। कुछ कुछ होते हैं थोड़ा सा, हाँ बायोलॉजिकली थोड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं, उनका पकड़ने का पावर थोड़ा ज़्यादा होता है, जल्दी पकड़ते हैं तो पकड़ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, नो नॉट दैट। आप अगर डाउट है आपका तो इसका ये कारण है क्योंकि आप उसमें कम समय दिए और आपको लगा कि वो इतने कम समय में कर दिया, मैं इतने कम समय में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए। डोंट 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 बी, मेरे पास समझ रहे हो? हर बच्चे का अपना अपना एक लिमिट होता है, कोई बच्चा 5 मिनट में समझता है, कोई बच्चा 15 मिनट में समझता है, कोई बच्चा 25 मिनट में समझता है। तो आपको अगर 25 मिनट लगता है समझने में तो आप दुखी मत हो जाना, 25 मिनट में करो धीरे 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 करके, वो 25 मिनट धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद आपका 20 मिनट 15 मिनट होकर 5 मिनट तक आ जाएगा, मेरे पास समझ रहे हो? लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे जिंदगी भर हो रही है उतना ही लेवल तक आपका रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा हूँ बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, मैं खुद को भी एक, मतलब मैं जब पढ़ता था मैं देखता था मेरे से बहुत जल्दी बच्चे सॉल्व करते थे क्वेश्चन, मेरे से बच्चे बहुत स्लो भी सॉल्व करते थे लेकिन कर देते थे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे इक्वल टाइम में सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते, और इसमें कोई भी फ्रस्ट्रेशन का गुंजाइश नहीं रहना चाहिए, मेरे पास समझ रहे हो? कोई फ्रस्ट्रेशन का गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक मतलब करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। क्यों हुआ, क्यों यहाँ पर 23 कैसे आया, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है, देखो उसको खोलो, उसको ये करो, उसको तोड़ो, 10-12 मेथड लगाओ लगाओ और लगाओ और लगाओ, जोर लगाओ, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है,
सोचो सोचो सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो, हेयर फॉल हो जाएगा, मतलब तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, मतलब कुछ कुछ हो जाएगा, बट सोचो, सोचते रहो, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, वाई वाई वाई, हाउ 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 हाउ, जब तक सॉल्व नहीं होता तभी कर पाओगे, मेरा बात समझ रहे हो, तभी कर पाओगे। यस सर। मैं फिर भी जितना जितना एम्फसाइज किया वो कम एम्फसाइज किया, मैं जितना एम्फसाइज किया फिर भी बहुत कम एम्फसाइज किया, जब तक ये मेरा नहीं होता है आई विल नॉट स्लीप एट ऑल, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो कल मेरा फ्यूचर बनेगा इससे, और अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता हूँ खुद से तो फ्यूचर नहीं बनेगा। अच्छा, जब आप चेस के कॉम्पिटिशन में जाओगे, कोई कुछ चेस खेलते हो, बहुत में से आप में से बहुत सर, आपको चेस के कुछ सेट आपको चेस के कुछ रूल्स दिए जाते हैं, राइट, ये रूल्स होते हैं, इनको इनको आपको मानना पड़ेगा, राइट, ये रूल्स के बाहर आप नहीं खेल सकते, राइट। अच्छा, रूल्स आपको तो दिए जाते हैं, लेकिन क्या हर गेम एक तरह की होता है क्या, हर मतलब जो प्लेयर एक ही तरह का माइंड चलाता है, नहीं ना, अरे नहीं ना, जब जब चेस चैंपियनशिप ये होता है वहाँ पर जब जाते हैं वहाँ पर क्या गेम का मतलब कैसे गेम खेला जाएगा पहले से प्रैक्टिस किया जाता है कि बेटे ऐसे गेम खेला जाएगा, ऐसे वो ऐसा स्टेप लेगा, वो तुम याद रख के जाओ बेटे, वो स्टेप लेगा फिर उसके बाद तुम ये स्टेप लोगे, फिर याद नहीं आ रहा है वो क्या स्टेप था, अरे क्या स्टेप था, वो मिस हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऑन द स्पॉट सारे स्टेप अलग होते हैं सर, यस, ऑन द स्पॉट आपको रूल्स को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, वो भी एक मैथमेटिक्स होता है, चेस भी एक मैथमेटिक्स होता है, ऑन द स्पॉट आपको चीज़ें करना होता है। वो कैसे होता है, एक चेस प्लेयर बहुत मतलब हाईली स्किल्ड कैसे बन जाता है बताओ, क्या बचपन से पैदाइश हो बहुत हाईली स्किल्ड था, एब्सोल्युटली नॉट, एक बहुत बड़ा मजिशियन जो कि वर्ल्ड रिनाउंड है वो क्या बचपन से मजिशियन था, मतलब शुरुआत से मजिशियन हो गया था, अरे नहीं ना, पहले तो एक एमेच्योर मैजिशियन होता हो रहा होगा, मतलब उससे उससे बहुत सारे लाखों गलती हो रहा होगा, बार 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 साल भर साल साल ईयर आफ्टर ईयर ईयर आफ्टर ईयर ईयर आफ्टर ईयर प्रैक्टिस करने के बाद वो इतना अच्छा मैजिक कर पा रहा है और आप उसको देख के चौंक जाते हो, मेरे पास समझ रहे हो। yes, शुरुआत में गलती होगा लेकिन गलती कैसे नहीं होगा उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, और कभी भी गलती को डरना मत कि गलती हो जाएगा तो मैं नहीं करूँगा, गलती होगा पक्का होगा, शुरुआत में ज़रूर होगा गलती, एब्सोल्युटली, और गलती करना भी चाहिए, गलती करोगे तो गलती से सीखोगे, गलती करना चाहिए, हर क्वेश्चन में गलती करना चाहिए, लेकिन गलती करके फिर उसको चेक करो, गलती क्यों हुआ, वाई, क्यों मैं ऐसा सोचा, मेरा दिमाग में क्यों स्ट्राइक किया। बेटे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ गलत कॉन्सेप्ट सोच लेते हो और उसको भी रिकॉग्नाइज करना होता है, मैं जो गलत सोचा वो गलत कहाँ पर है, कहाँ गलत है, जैसे कि सिचंदन ने उस दिन मतलब रात को एक आंसर दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिचंदन कहाँ पर गलत है, देवदास एक आंसर दिया, मैंने आपको समझाया कि देवदास कहाँ पर गलत है, वो भी आपको समझना चाहिए। मेहनत नहीं करोगे अननेसेसरीली, आप अगर ब्लेम करते रहोगे कि ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं हो रहा है टीचर, वो जिंदगी भर आप ब्लेम करते रहोगे, जब आप स्कूल खोलेगा देखोगे आप क्या ब्लेम करोगे पता है, कि हमें क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाया जाता है, हम बोर हो जाते हैं, या फिर हमारे पास सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं होता, डिफरेंट 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 एक्सक्यूजेस हमेशा बनाते रहोगे। अभी अभी एक्सक्यूज आपका क्या है कि ऑनलाइन में मेरा हम कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा, ऐसे मैंने आपको बोला था, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, मेरे पास समझ रहे हो, लाइफ भर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, और लाइफ ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंटायर लाइफ आप प्रॉब्लम ही सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो, खुद से सीखो, खुद से करना सीखो, जब तक नहीं होगा ना मर जाऊंगा लेकिन इसको मैं करके रहूंगा, मर जाऊंगा, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको करके मरूंगा, ये एटीट्यूड रखोगे तभी जाकर लाइफ में कुछ कर पाओगे, आगे से एटीट्यूड रहेगा क्या आप में से। मेरा जान चली जाए, आई डोंट केयर, मेरा जान चली जाए, मर जाऊं मैं, लेकिन करके रहूंगा, बस इतना आप करके रहो तो आगे से आपका कोई भी इशू नहीं होगा। एक क्वेश्चन में 4 घंटा अगर लग जाए ना बेटे, 4 घंटा लो, बट 4 घंटे में बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर, कल कहाँ तक किए थे बेटे बताओ सर, 5 करेंगे सर,
फाइव करेंगे, फाइव करेंगे। सिक्स नंबर तक किए थे लेकिन फाइव नंबर नहीं। अच्छा अच्छा सिक्स किए थे लेकिन फाइव नहीं किए थे, यही तो। अच्छा तो अच्छा पहले हम क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं जो कि बहुत आसान सवाल है, इसलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर सेवन पिक करते हैं। बड़े बोला है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, सबको देख रहे हैं स्क्रीन दिख रहे हैं सबको क्लियरली? यस सर। ऑफ द एपी हुज केथ टर्म, हुज केथ टर्म इज 5k प्लस 1। देखो बड़े बिल्कुल जल्दी में मत रहो, बिल्कुल जल्दी में मत रहो, बड़ा प्यार से इसको समझते हैं, बिल्कुल जल्दी में मत रहो, धड़ धड़ सब कर देंगे नहीं, केयरफुली करते पहले सवाल को समझते हैं, उसने क्या सवाल क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसका एन टर्म्स का सम निकालना है, शुरुआत से एन टर्म्स का सम निकालना है। अभी उसके लिए देखो बेटे, आपको जब एन टर्म्स का सम निकालना होता है तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, फॉर्मूला क्या होता है बेटे? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस एल, दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस एल, छोड़ो उसको, ठीक है? अच्छा पहले तो आपको ए एंड डी का वैल्यू जानना जरूरी, राइट? जब तक आप ए डी का वैल्यू नहीं जानते तो एन टर्म्स का सम कैसे निकालोगे, राइट? सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स की 20 टर्म्स, मैं बोल रहा हूँ एन टर्म्स, मतलब एन को रखो, एन को चेंज नहीं करना है, एन को रखो क्योंकि उसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स बस। लेकिन ए एंड डी का वैल्यू तो पता करना होगा ना, मेरे पास समझ रहे हो, ए एंड डी आर अननोन्स, क्लियर? यस सर। ओके सर, यहाँ पे एक जगह सर 1 2 3 पका के सर करके देखो, वेरी गुड, केयरफुली बेटे देखो, उसने बोला है कि ये जो एपी का केथ टर्म का वैल्यू है 5k प्लस 1। केथ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, टी सब के, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं टी सब 1, सेकंड टर्म टी सब 2, nth टर्म टी सब n, तो इसका केथ टर्म का वैल्यू दे रखा है 5k प्लस 1। और इसे क्या समझा जाता है कि k पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू 5 इनटू उसका पोजीशन मतलब k प्लस 1। तो इसी में अगर हम k के जगह 1 2 3 4 रख के ऐसे करके हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म मिलते जाएंगे। तो पुटिंग k इज इक्वल टू 1, अगर इसमें k की जगह मैं 1 रख देता हूं तो t सब 1, यस 5 इनटू 1 प्लस 1, बेटा 5 इनटू 1 इज 5 प्लस 1 इज 6, अरे समझ रहे हो? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। इसका सेकंड टर्म क्या होगा, 5 into 2 plus 1 है ना बेटे, यहां पर 2 11। तो बेटे देखो मुझे यस, मुझे थर्ड टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं, आई डोंट नीड दैट, बिकॉज़ मुझे सिर्फ a एंड d का वैल्यू चाहिए सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए। पहले तो बेटे ये एपी का a क्या होगा, a मतलब इसका फर्स्ट टर्म, राइट? फर्स्ट टर्म t1 व्हिच इज इक्वल टू 6, और इसका कॉमन डिफरेंस d क्या रहेगा, d कैसे निकालते हैं, यस 5, कोई भी टर्म्स है उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, 11 से 6 माइनस कर दो, क्या रहेगा बेटे 5। अब मुझे क्या उसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, अब देखो बेटे उसने नहीं बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 30 टर्म्स, ऐसा कुछ नहीं बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो आपको n को n रखना है, n को चेंज नहीं करना है, उसने बोला है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या है बताओ, तो n रहेगा, मेरे पास समझ रहे हो, जैसे कि आपको चाहिए फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मेरे पास समझ रहे हो, अरे मेरे पास समझ रहे हो, यस सर। और इधर अगर a प्लस एल लगाए तो कोई नहीं, वही चीज करना पड़ेगा अननेसेसरीली, आपको a प्लस एल इधर नहीं लगाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि a प्लस एल तभी लगाओ जब आपको लास्ट टर्म शुरू से पता हो, तो जल्दी डाल दोगे, यहाँ पर लास्ट टर्म को निकालना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दे, राइट? ये वाला एन बाई टू इंटू, बेटे ए का वैल्यू क्या है बेटे बताओ,
सिक्स राइट, डी का वैल्यू क्या है बेटे? फाइव 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 काम खत्म, खाली इसको बस खोलना है राइट। एन बाई टू इंटू ये क्या हो गया बेटा, ट्वेल्व प्लस फाइव एन माइनस फाइव, फिर एन बाई टू इंटू ट्वेल्व माइनस फाइव कितना होगा बेटा, सेवन प्लस फाइव एन, तो यह होगा सेवन एन बाई टू प्लस, अरे मेरे पास समझ गए, हेलो यस सर दिस लास्ट स्टेप इज नॉट कंपलसरी, नहीं कंपलसरी नहीं बिल्कुल, इतना सिंपलीफाई करना होता है, अच्छा होता है थोड़ा, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अच्छा कितनों को समझ में नहीं आया, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कछु समझ में नहीं आया कितनों को, इससे कोई हो कछु नहीं समझ में आया, आर्यन आर यू देयर बेटा, आर्यन आर यू देयर, आर्यन हेलो, अरे तेरा देखो एब्सेंट है क्या, मैं मैसेज कर रहा था, यस सर मैं मैसेज कर रहा हूं, हां आर्यन समझ में आया, अच्छा आप लोग अभी मैं आप लोगों को अभी जानबूझकर ये चीज बता रहा हूँ ताकि आप लोग सुनो, और मैं भी आप लोगों के पेरेंट्स भी कोई आपके पास बैठे होंगे और उनको भी पता चले ये चीज। बेटे जरा देखो, शुरुआत में 65 बच्चे ज्वाइन किए थे, उनमें से अभी 60 बच्चे हैं। अब जरा इमेजिन करो, ये जो पांच बच्चे अभी एब्सेंट हो गए, ये पांच बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मूड है, बिल्कुल नहीं। अब ये अटेंडेंस के लिए होगा। अभी 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 जरा इमेजिन करो बेटे कि ये पांच बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर्स क्यों जबरदस्ती ले, और अगर ले, अरे भाई हम थोड़ी ना मतलब हम थोड़ी ना कोई मतलब किंडरगार्टन का टीचर है थोड़ी ना कि पास में बिठा के मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल रट्टा लगवाए कि टू जा वन टू टू जा टू फोर टू जा थ्री सिक्स रट्टा लगवाए मैथमेटिक्स को, इलेवन ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स रट्टा लगा सकते हो, इलेवन ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स को नहीं ना, इलेवन ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स रट्टा लगवा जा सकता है क्या बताओ, पॉसिबल? तो जो एब्सेंट हो जाते हैं, जो क्लास में मतलब अटेंशन नहीं देते हैं, हम कैसे क्या करें, हम टीचर्स, हम भगवान तो नहीं है ना, हम टीचर्स है आखिर, इंसान है, हमारा एक लिमिट होता है कि हम पढ़ाएंगे आपको समझाएंगे, लेकिन उसके बाद रास्ता तो आपको चलना है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं कर रहे, हम अरे इलेवन ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स टीचर कोई क्लास वन क्लास टू का टीचर नहीं होता है, मैथमेटिक्स टीचर उनके तरह नहीं होते, वन प्लस वन टू नहीं हम सिखाते हैं, हम वो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अभी कुछ चीज़ें हम करेंगे, बाकी का काम आप करोगे, ऐसा नहीं हम सब नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दुनिया का कोई भी टीचर नहीं कर पाएगा इलेवन ट्वेल्थ में, हायर स्टडीज़ का मैथमेटिक्स सही है। तो आई होप आप मेरे बात समझ रहे हो, और उन दोस्तों को समझाओ जो ये बदमाशी करते हैं, मेरा समझ रहे हो सर, टेक द स्क्रीनशॉट, डन यस सर, डन यस सर, ओके यस सर, डन। अच्छा आपको पता है, फिर भी यही बात बता रहा हूँ, आपको पता है, आई होप आप सबका कुछ कुछ के पेरेंट्स देख रहे हैं बेटे, कोई बच्चे लिखते हैं 10 × 10 = 20, कैन यू इमेजिन, मैं पेपर चेक किया, एक बच्चा लिखा है 10 × 10 = 20, कैन यू इमेजिन कि ये बच्चा जो कि क्लास एलकेजी यूकेजी, अरे एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया था ना 10 × 10 100, हेलो, अरे अपर किंडरगार्टन लोअर किंडरगार्टन, अभी देखो लोअर किंडरगार्टन अपर किंडरगार्टन का पढ़ाई भी हम इलेवेंथ क्लास के टीचर पढ़ाए, अभी मैं आपको 10 × 10 = 20 सिखाऊं, मतलब 100 सिखाऊं, ये कैसे होगा भाई, तो फिर कोर्स कैसे खत्म होगा, 10 × 10 लिखते हैं 20, अब उनको कैसे हम इलेवेंथ का मैथ समझाएं, यू टेल मी बेटा, आप बताओ, आप ऐसे कोई बताओ, सब जानबूझ जानता सुनता बच्चे हो, 10 × 10 = 20 जो लिखता है उसको कैसे मैथ पढ़ाया जाए, इज देयर एनीबॉडी, क्या आपको लगता है कि दुनिया का कोई भी इलेवेंथ ट्वेल्थ का टीचर इसको पढ़ा पाएगा जो कि 10 × 10 = 20 लिखता है? नो सर, बस नो सर, अब जरा इमेजिन करो बेटे, क्लास बेटे क्लास है इलेवेंथ, बेटा क्लास लिख रहे हैं टेंथ,
मतलब 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, सेकंड प्री टेस्ट दे रहे हैं, क्लास लिख रहे हैं 10। अभी जो बच्चा अपना क्लास ठीक से नहीं लिख पा रहा है उसको पढ़ाई क्या समझ में आएगा, यू टेल मी। आई होप आप समझ रहे हो। ओके तो टीचर क्या क्या दे के गुजरता है वो आप लोग समझो बेटे, क्या क्या परेशानी उठाना पड़ता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा ये कर दिए थे कल, हाँ ये वाला करते हैं। और ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, इफ द, नहीं पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर ये सवाल करते हैं बेटे। पहले एक नोट हम लिखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट बेटे। मुझे अगर एक एपी का या फिर कोई भी सिक्वेंस का, इनफैक्ट कोई भी सिक्वेंस का, अगर मुझे nth टर्म का वैल्यू जानना है, ठीक है ना, कोई भी सिक्वेंस का, एनी सिक्वेंस, इन एनी सिक्वेंस nth टर्म का वैल्यू अगर मुझे जानना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फर्स्ट n टर्म्स का सॉम निकाल के उसमें से फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स का सॉम माइनस कर दूंगा। यस सर, इन एनी सिक्वेंस। और मैं ये समझा रहा हूँ आपको बड़े केयरफुली, बड़े प्यार से समझाऊंगा कि क्यों nth टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटे। बेटे सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसका सपोज पांच टर्म्स है, T1, T2, T3, T4, T5। बेटे मुझे अगर T5 का वैल्यू जानना है तो मुझे बात बताओ, मैं जो ये लिख रहा हूँ ये गलत लिख रहा हूँ क्या, बताओ मुझे जरा। दिस माइनस दिस, क्या मैं गलत लिखा हूँ जरा चेक करो। नो सर, नो सर। अब देखो बेटा जब आप ब्रैकेट खोल दोगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, T1 माइनस T1 कट जाएगा, T2 माइनस T2 कट जाएगा, T3 माइनस T3 कट जाएगा, T4 माइनस T4 कट जाएगा, बचेगा क्या बेटे, T5। और T1 से लेके T5 तक सॉम क्या होता है बेटे, फर्स्ट 5 टर्म्स का सॉम है ना। यस सर। T1 से लेके T4 तक का सम क्या होता है बेटे, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम। तो बेटे देखे T5 इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, देखे भाई। यस सर। मतलब T5 इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 5 माइनस 1 टर्म्स, देखे। तो इसी पैटर्न में आपको समझ में आ रहा होगा कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। कितनों को नहीं समझ बताओ, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट। डन डन सर। डन सर। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे उस सवाल में, ठीक है। फिलहाल सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। म्यूट योरसेल्फ जिनका आवाज आ रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है कि इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। उसने बोला है कि एक AP है जिसका फर्स्ट n टर्म्स का सम है Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये P एंड Q क्या है? देखो बेटे जब हमें कोई भी प्रॉब्लम में ऐसे P, Q, K करके ऐसे कुछ कांस्टेंट दे रखे होते हैं तो हम उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, दे आर कांस्टेंट्स, मेरा बात समझ रहे हो? वो इस्तेमाल yes, होंगे फाइनल आंसर में, वैसा ही वैसा रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं करना, फाइनल आंसर में वैसा वैसा रहेंगे। मतलब अगर पी क्यू ये सब नॉन कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना, नॉन पैरामीटर्स, याद रखो। उसने लिख भी दिया है कि वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, तो मतलब आपका फाइनल आंसर में पी क्यू जैसे हैं वैसे मतलब रहेंगे, पी क्यू को का कोई वैल्यू नहीं निकालना है आपको। यू डू नॉट नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू बेटा, क्यों? क्योंकि P, Q आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना।
कांस्टेंट दैट कांस्टेंट, उनका वैल्यू वैल्यू आपको नहीं निकालना है, बिल्कुल वैसा वैसा रहेंगे। अब सवाल है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और यह सवाल मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले ये सवाल को करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या मसाला चाहिए जिनको डाल के बनाएंगे, वो पहले समझ लेते हैं। फिलहाल बेटे क्वेश्चन नंबर 7 से ही ये क्वेश्चन नंबर 8 इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 जो भी किए थे कि उसका kth टर्म का वैल्यू था 5k+1, वही सवाल से ही दिस सवाल इज इंस्पायर्ड, दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से इंस्पायर्ड है, और कैसे इंस्पायर्ड है वो भी समझेंगे। फिलहाल देखो बेटे, अगर मुझे किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस जानना होता है, किसी भी एपी का अगर कॉमन डिफरेंस जानना होता है इसे खाली, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे, राइट? यस सर। यस सर। और देखो बेटे इसने, हाँ बताओ सर, पहले अगर हम एस वन निकालेंगे तो वो सेम होगा ए वन के साथ, जब एस टू निकालेंगे तो ए प्लस डी प्लस ए होगा, तो डी को तो उससे इक्वेशन मिल जाएगा तो डी निकल जाएगा सर। यस ऑफ कोर्स, मेरे बात बेटे समझ रहे हो? हेलो, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए बेटे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बेटे, कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, हमें मिलता है कॉमन, हमें मिल जाता है कॉमन डिफरेंस, है ना? तो भी सवाल है कि यहाँ पर हम कैसे इस सवाल को करें, हमें एक्चुअल में दे रखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स इज दिस। अभी देखो ये सवाल को करने का दो तरीका है, दो तरीका, देर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला तरीका ये है, मेथड वन, मेथड वन में करते हैं। अच्छा बेटा आप सबको पता है कि जो मैं अगर बोलूंगा किसी एपी का सम ऑफ द फर्स्ट, सम ऑफ वन टर्म, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, वो खुद फर्स्ट टर्म ही होगा ना, मेरे पास समझ रहे हो, वो खुद फर्स्ट टर्म होगा। yes. मैं अगर एपी लिख रहा हूँ, समझे कि एपी लिख रहा हूँ, देखो 2, 4, 6, 8 ये एपी का मैं अगर बोलूँ सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स तो क्या बोलोगे, 2 × 2 + 4, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स 2, 4 + 6। अगर मैं बोलूँगा सम ऑफ द फर्स्ट टर्म तो क्या होगा, खाली फर्स्ट टर्म ही होगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। यस सर। यस सर। कितनों नहीं समझ पा रहे हो, बताओ। यस। तो बेटा इसने हमें सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का वैल्यू क्या रखा है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, एस एन इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर गिवन है ना। तो बेटे इससे हम एस वन निकाल पाएंगे, एस वन क्या होगा बेटे, पी इंटू वन मतलब खाली पी प्लस क्यू इंटू वन का स्क्वायर मतलब पी प्लस क्यू, और ये क्या है बेटे, ए है, राइट? अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा बेटे मुझे अगर सेकेंड टर्म निकालना है, अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है बेटे, आप एक चीज देखो सेकेंड, हाँ यस टू सर, एस टू निकाल के ए माइनस कर देंगे तो सेकेंड टर्म। Yes. Yes. देखो अगर मुझे सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है, मेरे पास समझ रहे हो, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, बेटे सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स के मतलब क्या होता है कि फर्स्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, मेरे पास समझ रहे हो, लेट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो बेटे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज ए प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा भाई, ए प्लस डी, प्लस डी, मेरे पास समझ रहे हो? यस सर। क्लियर? ओके यस सर। व्हिच इज हियर व्हाट, जो कि यहां पर क्या है वो बेटे, एस एन का वैल्यू अगर पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर तो एस टू का वैल्यू क्या होगा, टू पी प्लस फोर क्यू, टू पी प्लस फोर क्यू, टू पी प्लस फोर क्यू। बेटे कितनों को समझ में नहीं आया, बेटे एन खाली एन की जगह टू डाला गया, मेरे पास समझ रहे हो? हेलो। यस सर। यस सर। ओके तो बेटे देखो 2a प्लस डी इज इक्वल टू 2p प्लस 4q, और a का वैल्यू क्या पता चला है हमें, p प्लस q है ना, p प्लस q। अरे
अरे कितनों को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल कुछ। टूपी प्लस टूपी यस प्लस सर टू। हाँ यस। सर मुझे समझ में नहीं आया कहाँ नहीं आया बताओ, कहाँ नहीं आया जल्दी बताओ कहाँ नहीं आया। सर ये जो H2 वाला, H2 वाला, H2 का मतलब होता है सम यस ऑफ द सर फर्स्ट टू टर्म्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक एपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड उसका कॉमन डिफरेंस डी है तो उसका सेकेंड टर्म क्या होगा? सर ए प्लस टी ए प्लस डी यस होगा सर ना ए एपी प्लस के लिए। टी प्लस हाँ तो अगर मैं उस एपी का सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स निकालू उसका मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज ए प्लस सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी होगा, जो कि मिलके गिवेन फॉर्मूला के हिसाब से, गिवेन फॉर्मूला के हिसाब से एस टू का वैल्यू क्या रहा है? 2p+4q, मतलब इसका वैल्यू 2p+4q के साथ समान है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। यस यस सर सर यस सर हाँ यस सर तो 2a+d इज इक्वल टू 2p+4q। ए का वैल्यू क्या निकल के आया है इधर? p+q, तो डाल दिए तो ऐसा हो गया। तो बेटा देखो 2p 2p कट जाएगा, तो d कितना बचा बेटे? 4q-2q इज इक्वल टू व्हाट? Q तो आंसर क्या है बेटे? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2q। बेटे देखो क्यू पी का वैल्यू आपको नहीं जान, क्यू पी का वैल्यू नहीं कर नहीं निकालना है, दे आर कॉन्स्टेंट। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 5, 5 का वैल्यू थोड़ी ना निकालते हो, 5 इज 5 है ना, उसी तरह यहाँ पर पी क्यू आर कॉन्स्टेंट, वो वेरिएबल नहीं है, उनका वैल्यू वैल्यू नहीं निकालना है। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? 2q। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। यस यस सर यस सर अभी कितनों को डाउट है पूछ लो, जल्दी पूछ लो जल्दी पूछ लो। देखो पूछे डाउट में समझाया कि नहीं, मैं क्या मना करता हूँ आपको डाउट समझाने के लिए, मना करता हूँ कभी भी? बताओ आप पूछते नहीं हो, हम क्या करें? नो सर टेक द स्क्रीनशॉट। आप पूछेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? 100 बच्चों को एक एक करके पूछेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगा पूरा। अब पढ़ेंगे क्या? कद्दू पढ़ेंगे? मेरे पास समझ रहे हो? अगर 100 बच्चों को एक एक, यस 100 बच्चों को एक एक करके पूछूंगा, अरे डाउट है, अरे डाउट है, अरे डाउट है, अरे बेटे डाउट है, अरे बेटे डाउट है, पूछ पूछ पूछ, तो क्लास कब करेंगे? अच्छा। हाँ सुनो, तो मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड भी आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना? मेथड 2, और मेरे हिसाब से मेथड 2 से अच्छा है मेथड 1। मेथड 1 ज्यादा अच्छा है, ज्यादा क्विकर मेथड है, लेकिन मेथड 2 भी कोई खराब मेथड नहीं है। फिर हम सीख लेते हैं, ठीक है? मेथड 2 भी खराब मेथड नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होता है, ठीक है? लेकिन देख लेते हैं मेथड 2 क्या है। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। उसने बेटे गिवेन दे रखा है कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। अरे मेरे बात समझ रहे हो? ये गिवेन है। अच्छा मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वैल्यू जान लेता हूँ तो एक टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दूंगा, मुझे बड़ा आराम से कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा, है ना बेटे? मिल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? यस बस यस तो बेटे पहला बात है, अगर मैं किसी तरह T1 एंड T2 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म निकालने में कामयाब हो जाऊँ तो मैं क्या करूंगा? T2 से T1 माइनस कर दूंगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगा, जैसे अभी किए थे। लेकिन वही चीज को हमें यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड क्या है जो थोड़ा लेंदी होगा? क्या होगा बेटे? कि हमें SN पता है तो हम इससे TN निकालेंगे। TN का वैल्यू होता है बेटे SN- क्या भाई? SN-1। अभी फॉर्मूला पढ़े थे राइट? तो मैं रेकमेंड करूंगा मेथड 1 में करने के लिए, लेकिन अगर मेथड 2 में भी कोई करते हो कोई मना नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, मैं पहले से बताता हूँ। लेकिन इसके लिए बेटे SN-1 का वैल्यू भी जानना जरूरी है ना। अगर SN ये है बेटे, मैंने बोला था कि SN में यहाँ पर एन का जगह अगर मैं फ्रॉग लिखूंगा तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ पर फ्रॉग लिखना पड़ेगा, P into frog। तो मैं अगर यहाँ पर एन का जगह N-1 लिखता हूँ तो ये क्या होगा? P(n-1)+Q(n-1) का होल स्क्वायर। अरे बेटा समझे? यस सर यस सर SN का वैल्यू है क्या भाई? PN+QN² - SN-1 का वैल्यू क्या निकल गया? इसको थोड़ा
देखो बेटे, हमेशा ब्रैकेट देने में कभी कंजूसी मत करना बेटे, ब्रैकेट में कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि ब्रैकेट ही आपको, ब्रैकेट से ही गलती हो जाता है। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। माइनस इधर ब्रैकेट छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। माइनस ये पूरा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, पी इंटू एन माइनस वन प्लस क्यू इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मैं क्यों इसको लेंदी बोला, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलो कर ही लेते हैं ना, जान लेते हैं कि कैसे होता है ये मेथड में। पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस, बेटे क्या होगा बताओ, पी एन माइनस पी प्लस क्यू इंटू, बेटे एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। अरे मेरे बात समझे, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस, बेटे ये होगा, पहले इसको कर लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, पी एन माइनस पी, बेटे ये होगा क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू क्यू। अरे आज क्यों रिस्पॉन्स रेट इतना कम है भाई, दो तीन पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन, माइनस पी एन प्लस पी माइनस की, देखो माइनस है ना, सब खुल जाएगा बेटी। अच्छा ये कौन सा क्लास का पढ़ाई है, कौन बताएगा? ये ब्रैकेट खोल खोलने से प्लस माइनस होता है, कौन सा क्लास का पढ़ाएगा? सिक्स क्लास। अरे तुम्हारा सिक्स क्लास, हमारा सिक्स में फोर्थ में था। अरे हमारा, हमारे मतलब मैं जब पढ़ता था, मेरे मतलब सिक्स में फोर्थ स्टैंडर्ड में था। अच्छा ठीक है, सिक्स स्टैंडर्ड तो बहुत भी पीछे छूट गया है ना। इतना तो जानना होगा ना भाई, इतना तो जानना होगा भाई, ये भी सिखाऊंगा क्या? हाँ, क्यू एन स्क्वायर, क्यू एन स्क्वायर कट गया, और कोई कटा क्या, और कोई कटेगा क्या? बस वेरी गुड, बचा क्या, बस। तो बेटे टी एन का वैल्यू क्या निकल गया, ये क्या है, ये टी एन है, एनथ टर्म। तो nth टर्म का वैल्यू क्या निकल के आता है ना, p माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन। तो इसी से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ना, इससे फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ना, टी वन क्या होगा, p माइनस क्यू प्लस टू क्यू इंटू वन, है ना, n का जगह वन डालोगे खाली। टी टू क्या होगा बेटे, फोर क्यू p माइनस, हाँ अच्छा यहाँ पर पहले कर लेते हैं इसको, ये क्या हुआ ना, p बेटे 2q माइनस q कितना हो जाएगा, प्लस q, प्लस q बेटे t2 yes, क्या होगा ना, p माइनस q प्लस माइनस q प्लस 4q, 4q सर, 4q, 4q p प्लस 3q, p प्लस 3q, सर p प्लस 3q। हां तो अब बड़े प्यार से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, प्लस 3 यस सर, इक्वल टू क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हां यस, प्लस, अरे माइनस कर दिया इसको, अरे देखो, अरे देखो भाई, अरे देखो देखो, यस सर, आप तो देखते नहीं हो, पी माइनस पी लास्ट को हमें ब्लेम करते हो, हाँ अब देखोगे नहीं, टू क्यू, टू क्यू, चलो 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 टेक द स्क्रीनशॉट भाई, स्क्रीनशॉट ले जाओ, ये तो करते हो जिंदगी में, और क्या करोगे, टेक द स्क्रीनशॉट ले गए, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा लेंदी नहीं था क्या? जरूरी है, हम बाद में चेक करेंगे कि हाँ ये लेंदी है, इसमें नहीं करेंगे, लेकिन चेक तो कर लेंगे, ये और एक मेथड है, वेरी गुड। ओके अब पकड़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पकड़ते हैं, जो कि इजी सवाल है, इजी सवाल मैं पहले कर लेता हूँ, लास्ट को लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, मतलब ये सब लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, लेकिन पहले इजी इजी पकड़ लेते हैं। उसने दे रखा है द सम ऑफ, हाँ वो एग्जाम्पल में था, ये एग्जाम्पल के तरह ही क्वेश्चन है। अरे अरे असले सर उधर, अरे कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करो, मेहर हेलो, यस सर, असले सर आयुषी तो रेस्पॉन्ड कर रही है, जना बाबू क्या हुआ, पति क्या हुआ, सर कट सर बोल तो रहे, यस सर बोल तो रहे, अच्छा असले सर माइक नॉट वर्किंग, यस सर, ओके ओके
अभिजीत समझ में आ रहा है तो पति जी पति 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 चाय पति समझ समझ में आ रहा है यस सर यस सर अबे तू सेनापति सी पति तू सेनापति सी हला खाली पति ते चाय पति से ओके आउ कोड कर के आउ सब कोड पढौ तो जाई बसी खाली एटी गप सुनु जड़ी जे चली जी बोल जु खाली बा गीत चली जी देखु छ हां रेकर्ड होउची गीत देखु छ गीत डांस होउची अक्षय कुमार नाचुची पूरा खुशी है कि मैंने पूरा ओ हो गीत चली कि खुशी है हेडफोन से लगी पूरा आराम से गीत सुना कौन है अरे लिकुन बारी कौन तू किसी कहूनु रे यस सर दल 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 तो खबर कौन सर आउ हितेश कुमार बेहरा तू तो पाठ पढ़ुनु ए बेहरा हितेश कुमार बेहरा ए देखो से पड़ेला धर्मेंदु ना धर्मेंदु सी भी पड़े बोल अरे अरे बुझु चुटी यस सर सतरे सतरे बुझु छु ना मिछरे कहू छु बुझु छु सर सतरे सतरे बुझु छु आ पंडा अंशुमान पंडा अरे पंडा यस सर अरे बुझु चुटी यस सर तू कौन बुझु छु पाठ बुझु छु तो यस सर हां हो आदित्य कुमार यस सर अरे बुझु छु यस सर बुझु छु अविनाश बेरा अरे बेरा बेरा भी बुझु तो आज्ञा सर हां हो अभिषेक नायक अरे बुझु छुटी यस सर अभिलेषा जी समझ रही हैं हाँ ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं ना अच्छा यस सर हाँ यस सर ओके ओके इसको पढ़ाई करते वक्त बेटे सपना देखते चलो सपना देखते चलो कि टाई वाई सूट बूट अच्छा घर अच्छा खुद का घर खुद का कार खुद का हाँ BMW आउडी फाउडी जो भी आप खरीदना चाहोगे सब कुछ खरीद पाओगे अगर पढ़ोगे अच्छा ठीक है नहीं पढ़ोगे तो सड़क में खड़े होगे ठीक है चलो यस यस सर आउडी चढ़ना है ना भाई आउडी चढ़ना है ना यस सर दुबई जाना दुबई जाना है अरे दुबई तो कोई भी जाता है वो लेबरर भी जाते हैं नहीं नहीं दुबई जाके मतलब दुबई में मतलब VIP ये में बैठना है लाउंज में बैठना है अगर उसका सपना है ना तो बेटे पढ़ाई करते रहो बेटे वो सब उस सारे सपना पूरा हो जाएगा मेरा भी एक दोस्त कालटेक अमेरिका का कालटेक यूनिवर्सिटी में वहाँ पर PhD कर रहा है तो बेटे सारे सपने पूरे होंगे अगर आप पढ़ाई करोगे तो नहीं करोगे तो कोई सपना पूरा नहीं होगा द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 P आर इन द रेशियो बेटे एक नाइन्थ क्लास का एक मतलब नाइन्थ क्लास का बच्चे को पढ़ा रहा था वो मुझे बोला रैटियो इसको बोला रैटियो है अच्छा सुनो सुनो उसका एग्जाम में आया था नाइन का टेन आपका होता है ना केमिस्ट्री में हेलो यस सर यस सर उसका था काटा है ना वो मुझे बोला केसन अच्छा अच्छा मजेदार चीजें होते हैं ओके इन द रेशियो 5N+4 इज टू 9N+6 9N+6 अभी पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स पहले तो क्वेश्चन समझते हैं बाद में करेंगे ठीक है पहला काम क्वेश्चन समझना जाए बाद में करेंगे ठीक है पहले क्वेश्चन समझते हैं उसने क्या बुद्धि रखा है उसने बोला है कि द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ऑफ टू APs है ना हमारे पास दो AP है कितने AP है बेटे यहाँ पर दो AP है ना दो AP है हमारे पास और दोनों AP का एन टर्म्स का सम का रेशियो मतलब पहला AP का सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइडेड बाय दूसरा AP का सम ऑफ एन टर्म्स रेशियो इज इक्वल टू 5N+4 इज टू 9N+6 ये रेशियो है
अब सवाल ये कि दोनों का 18th टर्म्स का रेशियो बताओ। तो सवाल को करने से पहले हम देख लेते हैं, हमें जानना है, हमें निकालना क्या है वो जान लेते हैं, फिर बाकी कुछ करेंगे। पहले गिवेन क्या है बेटा, सम ऑफ द एंड टर्म्स ऑफ द टू एपीज है ना। तो बेटा एक काम कर लेते हैं, हमारे पास दो एपी है, तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज इक्वल टू ए वन। मानो जो पहला एपी है उसका फर्स्ट टर्म है ए वन, मेरे को समझ रहे हो? यस सर। यस सर। एंड लेट द कॉमन डिफरेंस, मेरे को समझ रहे हो? लेट द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एपी इज इक्वल टू डी वन, एंड लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज इक्वल टू ए टू, फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड एपी इज इक्वल टू ए टू, एंड लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ऑफ द सेकेंड एपी इज इक्वल टू डी टू। पहला दो एपी हमारे पास, मानो पहला एपी का फर्स्ट टर्म ए वन है, कॉमन डिफरेंट डी वन है, दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म ए टू है, कॉमन डिफरेंट डी टू है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, मेरे पास समझ रहे हो? यस सर। डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कितना देर का है बताओ? कितना देर का है सर? 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 6। 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 6। 5n प्लस 4 बाय 9n बाय 6 बाय 9n प्लस 6। अच्छा बेटे, पहला एपी का सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, हमें तो पहले तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे इधर साइड में। फॉर्मूला बेटे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एपी का फर्स्ट एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए उस एपी का फर्स्ट टर्म होता है एंड डी उस एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। एन जितना नंबर ऑफ टर्म को ऐड करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर पहला पहला एपी का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होगा बेटे? एन बाई टू इंटू टू, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? ए वन है ना, टू ए वन। हाँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ देवदास, कौन कहो तू? ओके, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सेकेंड एपी एन बाई टू इंटू टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। अरे यार बात समझ रहे हो? हेलो यस सर। इज इक्वल टू क्या बेटे? 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 6। 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 6। अब देखो बेटे, बड़े प्यार से हम यहाँ पर n बाई टू काट देते हैं, राइट? अरे बात समझ रहे हो? यस सर। तो क्या निकल गया था ना, 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। और बेटा अभी एक काम करेंगे जिसका कारण क्या है बाद में बताऊंगा, पहले तो करेंगे क्या बेटे कि लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 2 डिवाइड कर देंगे। मेरे बात समझ रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड में। यस सर। अरे गॉट इट। यस सर। यस अरे n माइनस 1 ना, सॉरी 1 2 इज इक्वल टू
5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। बड़े इक्वेशन में कोई चेंज किया क्या हमने? कोई तो चेंज नहीं किया ना, ऊपर नीचे सेम चीज डिवाइड किए, सेम नॉन जीरो नंबर है ना। हाँ तो ऊपर क्या हो गया बेटे, ए वन प्लस एन माइनस वन, देखो ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई सी प्लस बी बाई सी होता है ना, तो टू ए वन बाई टू विच इज ए वन प्लस दिस डिवाइड बाई टू, मतलब एन माइनस वन बाई टू इंटू डी वन। अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। डिवाइड बाई इसमें भी देखो टू ए टू बाई टू मतलब ए टू प्लस ई क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बाई टू इंटू डी टू इज इक्वल टू फाइव एन प्लस फोर बाई नाइन एन प्लस सिक्स। अच्छा इतना इतना करके रखते हैं, फिलहाल हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं। टू फाइंड हमें क्या निकालना है बेटे, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म ऑफ बोथ द एपीज, दोनों एपी का 18th टर्म का रेशियो निकालना है ना, मतलब 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाई 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, यही निकालना हमें बेटे, समझ रहे हो? हेलो अभी yes, समझ रहे हो? यस सर। हाँ ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस। और बेटे फर्स्ट एपी का 18th टर्म, बेटे हमें पता है कि कोई भी एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन टू डी, तो बेटे 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा बेटे, इसका a का जगह a1 लिखेंगे और d का जगह d1 लिखेंगे, तो a1 प्लस बेटे 18 माइनस वन मतलब 17 d1। अरे समझ रहे हो? यस सर। और नीचे a2 17 d2 17d2, इसी का वैल्यू मुझे निकालना है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें? देखो बेटे हमें ऑलरेडी ये चीज हमें पता है, ये रेशियो पता है, जरा बेटे कंपेयर करो, मतलब इसी से हम इसको निकाल पाएंगे कि नहीं। देखो जरा बेटे कि हमें देखो ये रेशियो में ए वन प्लस समथिंग इंटू डी वन बाई टू प्लस समथिंग इंटू टू, देखो ए वन प्लस 17d1 ए टू प्लस 17d2 लिखा है, राइट? मेरे पास समझ रहे हो? अच्छा ये लेफ्ट लेफ्ट में क्या अंतर, खाली अंतर क्या दिख रहा है बस, खाली ये लेफ्ट दोनों में अंतर क्या दिख रहा है बेटे? खाली n माइनस वन बाई टू की जगह 17 लिखा है, राइट? देखो n माइनस वन बाई टू की जगह खाली 17 लिखा है। अरे देख रहे हो? यस n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 17। तो n माइनस वन बाई टू का वैल्यू अगर 17 करते हैं तो रफ में देख देते हैं, n माइनस वन बाई टू की जगह अगर 17 होता है तो n माइनस वन क्या होता है बेटे, 17 जा टू 34 ताकि मैं यहाँ पर एन के जगह, देखो बेटे अब जरा सोचो, हमें पता है वी नो कि ए वन प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी वन डिवाइड बाई ए टू प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी टू इज इक्वल टू क्या पता है, फाइव एन प्लस फोर बाई नाइन एन प्लस सिक्स, राइट? फाइव एन प्लस फोर बाई नाइन एन प्लस सिक्स। अच्छा अगर हम दोनों साइड में एन का, अरे दोनों साइड में हम एन के जगह सेम चीज डालेंगे कि नहीं, है ना, ये इक्वेशन है, दोनों साइड में एन के जगह सेम चीज डालोगे, जो भी यहाँ पर एन डालोगे वहाँ पर ये भी एन डालोगे। अरे बात समझ रहे हो? सपोज यहाँ पर n के जगह 2 डालोगे तो एम, तो अगर पुट करते हैं दोनों साइड में, पुटिंग n इज इक्वल टू 35, इक्वेशन का दोनों साइड में n के जगह 35 डालते हैं। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो yes, n एक नंबर है भाई, कितनों को नहीं समझ आ रहा है बताओ। तो देखो n का जगह 35 डालने से पक्का है 17 होगा, क्योंकि इसी को ही तो कैलकुलेशन करके हम पता किए हैं, एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू 17 को सॉल्व करके ही तो एन इक्वल टू 35 मिला था, राइट? अरे डाल के भी देखो 35 माइनस वन होता है 34, 34 बाई टू 17, तो 17d1 डिवाइड बाई ए टू प्लस 17d2 इज इक्वल टू, बेटे एन का जगह 35 डालना है ना, तो एन का जगह 35 डालो इधर। अरे मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर।
तो अब तो निकाल सकते हो ना, रेशियो कितना है बताओ, बताओ जरा कि कितना होता है ऊपर कितना होता है। 179/321 कितना? यस सर। अच्छा बुक में, बुक में ही आंसर दिया है तो चेक कर दो। 179/321 ओके। 5 × 30 कितना आता है? 5 कितनों कर पाओगे ये सब अलग एग्जाम में आता है तो, मतलब ऐसे ही सब अलग एग्जाम में तो कितनों कर पाओगे? स्क्रीनशॉट डन। Take it. Done. Take it. Done. Take it. Done. Take it. Done. Take it. हो गया, चलो आगे चलते हैं। खाली लास्ट क्वेश्चन कर देंगे फिर जाएंगे, हाँ ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या इसके इतने सारे क्वेश्चन हैं? इतने क्वेश्चन क्या है इसमें? अरे बाप रे, 13 क्वेश्चन। अच्छा कुछ कुछ, हाँ कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करोगे, ठीक है ना? मैं सारे क्वेश्चन नहीं करने वाला। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर अरिथमेटिक मीन में नहीं पढ़ाया हूँ इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 हम बाद में करेंगे। 13 अभी करेंगे एंड 12 आप आज ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करोगे, ठीक है ना? मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ, इस सारे क्वेश्चन को ट्राई करोगे। 12 एंड 17 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 11 भी ट्राई करो एंड क्वेश्चन नंबर 17 हाँ 17 भी ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 18 भी ट्राई करो। जिसमें ट्राई करो। यस यस, अरिथमेटिक मीन वाला सवाल है क्या? नहीं नहीं ठीक है, हाँ यस। नहीं नहीं अरिथमेटिक मीन नहीं करो, नहीं वो नहीं पढ़ाया अभी तक, उसमें 16 को छोड़ दो। इतना करो ठीक है, इतना आज करो घर में और मैं लास्ट को भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको। नहीं नहीं आज हैप्पी न्यू ईयर, आज इतना ही करो बस। नहीं सॉरी, मतलब न्यू ईयर ईव है तो इतना ही करो बस। नो सर, करेंगे सर, घर में बैठे वो तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं आप खाली पढ़ो, नहीं क्या करें, आप बुरा मान जाओगे इसलिए बोल देता हूँ, कभी कभी एंटरटेनमेंट भी कर लिया करो। नहीं तो मैं तो बोल, अगर मेरा बस चले मैं बोलूँगा कि रोज खाली पढ़ो, आप बुरा ना मान जाओ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। और सेनापति ठीक ना? नहीं सेनापति हे सेनापति, अरे से आर्यन को लग रही है, आर्यन को आर्यन देर, अरे से ऑक्सीजन नहीं देख ले रही आप प्रेजेंट ना एब्सेंट से लिखी दऊ मेसेज कौन रे कौटे गल आरियान कहीं हाँ माइक नॉट वर्किंग माइक वर्किंग करूनी ना मत कथा कह तू कौ करचु बापा कहलु मोबाइल फोन ना लैपटॉप रे अरे आर्यन तू स्मार्टफोन रे करचु लैपटॉप रे करचु कहलु लैपटॉप रे करचु मैं लैपटॉप रे करचु तू इयरफोन से दे परनु की अरे लैपटॉप रे इयरफोन दे बसुनु की खालटा रे बसु ना लैपटॉप टा खाली खोल दे बस पडुजु कोन जे मूवी चलछि ना कोन ए इयरफोन से दबु ना हे देख से ये दे गोड़ा खसिला हे देख सराफत खान अरे कोड़े गला से आर्यन तुरा इयरफोन्स दे बसुनु रे क्लास रे रिस्पोंड करनु तो डाउट हेले पचारिबु केमति तो माइक टा खराब होची खाली बसि के देखिबु ना कोन देखो सुभुन ना कोड़े गला से तोर मेसेज भी करनु अरे कोड़े गला से सर लिखा यस सर ए तू इयरफोन्स टा दे बसुनु रे हाँ इयरफोन्स तो घर जहाँ समस्त अरे किन के घर में इयरफोन्स नहीं बताओ हाँ अरे भिखारियों के घर में भी स्मार्ट टीवी अभी कोई को ले आ रहे हैं
ईयरफोन्स कितने को घर में नहीं है, सबके घर में ईयरफोन्स होता है कि नहीं? एटलीस्ट सैमसंग का हाँ हेडफोन्स लगाया हुआ है, तो हेडफोन्स का माइक नहीं है बता रहा है बात, वो बात कर रहा है हेडफोन्स का माइक नहीं है। जो सैमसंग का जो मोबाइल खरीदते हैं उसमें बाकी ईयरफोन्स कंपलसरी आता है, आता है कि नहीं आता है बताओ? यस सर, यस सर। घर में ईयरफोन जो सबका है, किसी के घर में ईयरफोन नहीं होगा ऐसा हुआ क्या? मेरे घर में तीन तीन चार पांच ईयरफोन्स पड़े हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कौन सा ईयरफोन्स यूज करूँगा। तो ईयरफोन्स तो घर में पक्का पड़े हैं, और आपके घर में तो 10-12 पड़े ही होंगे मुझे पता है ना। माइक खराब है पाठ तो पढ़ाई देवा कथा आउ कौन पाठ पढ़ेदेले गला सर को तो पाठ पढ़ेदे गला। हौ 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 ये जो देवदास, जो देवदास, अरे देवदास यस सर, जो वीडियो वीडियो तुम्हें जाता है यस सर। हौ कामो कामो चालू का कामो चलते तो संस्था चलू ना। हौ बाप हौ संस्था चलू, हौ हौ संस्था चलू, संस्था चलू। अच्छा अच्छा ओके हाँ, तो ये खाली लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम इतना पर रखेंगे। क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द, अच्छा हम तो वो ज्यादा समय नहीं पढ़े हैं, 1 आवर तो पढ़े, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो चलेगा ना? यस सर, यस सर, सर यस सर। हम तो 10 बजे शुरू किए थे, 11:04 हुआ, ज्यादा में नहीं पढ़ा हूँ। जो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, अरे इज इक्वल टू सर वो वीडियो जो भी देख रहे हैं सब हंस रहे हैं क्या सर? वो वीडियो जो भी देख रहे हैं मैं मुंह मेरे देख ले बोली, अरे संस्था चालू, संस्था चालू है, चालती तो चालू गाड़ी चालू तो गोटे तो क्लास चलती बस अटेडा निहि गोटे तो पढ़ा हो मैथ तो गोटे कौन पढ़ा हो परीक्षा तो दिया दिहि गोटे कौन 30-32 तो रोच इलेवेन्थ एमती एमती सरीज ट्वेल्थटा भी एमती एमती सरीज सरीगले देखिया कौन टा हम देखिया चलती तो गाड़ी चलती कौन ना कौन हाँ चलती तो चलती संस्था कौन ना कौन इम चल हाँ सेमती चलती 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 लास्ट को है लास्ट को जो जाइर कौन से जो एम जो मो ये ओला उबेर रे कार चलेबा बाइक चल ओला ओला बाइक चलेबा ना से होम डेलीवरी घरे करिबा सेठ जाइए कौटी ये तो कथा कौन आ कौन संस्था तो चलिया कथा कौन ना कौन बचा कथा दादा मैथ टोटाली इंटरेस्ट ना कहीं से मैथ रे नहीं कि हईराण हवा कथा बुझी सेनापति हसुची कि मैथ मैथ रे कौन मैंने कौन मैं बाड़ी पटे पड़ी मैंने खाली तोली खाईदे ना कौन अरे देवदास मैथ बाड़ी पटे पड़ी था गचरे ना कौन नो सर तोली खाईदे जीवा अरे हिंदी ओडिया सब समझते हो ना हेलो यस सर मु कहली कह मैथमेटिक्स टा कौन गचरे पछपटे लेंबु गचरे लेंबु फळीला भळा फळीची जीवा सकाळ उठिया लेंबु मैथमेटिक्स गचरु फळटा खाईदे सकाळ मैथ हो गला आज दिन मैथ हो गला फळ खाईदे मैथ हो गला ना गोटे एमती बहटा अच्छी से बहटा पढ़दा पूरा पूरी मैथ हो मैथमेटिशियन ही जा सेमती है दुनिया सब गोटे मैथमेटिशियन मैथमेटिशियन ही जाते कौन भावुच कौन दुनियाटा को तुम भावुच अरे मोर भी सेमती बहुत सांग थे मुझे प्लस टू पढ़ु थी शुण ओडिया समझते हो ना ओडिया समझते हो ना साई ओडिया समझते हो साई साई स्मृति तो मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं खुद जब हम खुद स्टूडेंट थे हम रियलाइज नहीं कर पा रहे थे कि इनका मेंटेलिटी क्या है ठीक है ना। देखो मतलब पहला तो बीजेपी कॉलेज में जो आर्ट्स आर्ट्स ब्लॉक होता है ठीक है ना आर्ट्स ब्लॉक में ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे नहीं लेते हैं बीजेपी कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक में 75-65% बच्चे ही पढ़ लेते हैं साइंस पढ़ने के लिए 90% से ज़्यादा चाहिए और कट ऑफ मेरे टाइम में गया था 92% तो साइंस के लिए उनका थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज कट ऑफ रहता है लेकिन आर्ट्स के लिए पूरा मतलब पूरा जाते हैं वो मतलब कोई भी ज़्यादा है वहाँ पर हाँ देखते हैं हम जाए कभी हम उनका मेंटेलिटी स्टडी करते हैं मतलब कभी कभी मेरे दो तीन दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर बीजेपी कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पार्क है ठीक है ना
तो पार्क के पास कभी कभी जाके मतलब जो क्लास खत्म हो जाते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं, हम कभी पार्क के अंदर नहीं गए हैं कभी तक, आज आज के तक बस खाली हम बाहर ही खड़े हैं। मतलब कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ एक बच्चा वो दूसरे बच्चा को मतलब भगा रहा है, क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, क्या मेंटालिटी क्या है। कोई कोई मतलब बैठ के इसे ग्रुप बना के मतलब पूरा जोर जोर से बातचीत चल के मतलब घंटा घंटा मतलब बात कर रहे हैं। एक बार हम लाइब्रेरी गए थे, ठीक है ना, डीजीपी कॉलेज का लाइब्रेरी गए थे, मैं एक बुक लाने के लिए गया था, देखा कि एक रूम खाली है, वहां पर दो तीन बच्चे बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, मेंटालिटी समझ में नहीं आता है। फिर हम बॉस में जब मतलब आते हैं वहां पर, मतलब लफंगाई का मतलब सीमा क्रॉस कर लेते हैं, लफंगाई का बस में है पे पे मतलब खाली बातचीत, खाली कोई मतलब प्रोडक्टिव बात नहीं है, कोई पढ़ाई वढ़ाई का बात नहीं है, लाइफ के फ्यूचर बारे में कोई बात नहीं है, खाली बातचीत बातचीत फालतू के बारे में बातचीत, कोई मूवी देखा, कोई गाना सुना, कोई गेम खेला, कोई ये देखा वो देखा, क्या क्या बातचीत। अरे पढ़ते हो कब? अरे एग्जाम में सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, अरे बस समझो ना, ये महर्षि बिजू पटनायक जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं जो अब क्या करेंगे, तो पढ़ते नहीं हम क्या करेंगे, पढ़ो भाई पढ़ो। ओके, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, देन, अरे चुप क्यों हो गए? यस सर, यस यस सर। हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, अरे हमारे भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, आपसे बात कर लेते हैं, हम क्या खाली बोर होकर पढ़ाएंगे क्या, हमें भी बोर लगेगा ना, हम भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहते हैं। ओके, फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। उसने बोला है कि एपी है, एक एपी है जिसका फर्स्ट पी टर्म्स, फर्स्ट पी नंबर ऑफ टर्म्स का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स। मतलब एक एपी का पहला पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, उसका पहला पी टर्म का सम जो है पहला क्यू टर्म्स का सम भी वही है। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ, जैसे मैं अगर बोलूंगा कि एक एपी का पहला तीन टर्म का सम जो है पहला दस टर्म का सम भी वही है, जैसा मैं बोला यहाँ पर भी वैसा, पहला पी टर्म का सम जो है पहला क्यू टर्म का सम वही है। अभी सवाल यह कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स का सम बताओ। लेकिन ये सवाल करने से पहले हम कुछ चीजें पहले आपको बताते हैं। यहां पर बड़े याद रखो, पी एंड क्यू दे आर कॉन्स्टेंट्स, पी क्यू आर व्हाट, अरे पी क्यू आर व्हाट, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स फिक्स्ड है बेटा। गलती से पी क्यू का वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, पी क्यू कॉन्स्टेंट है, उनका वैल्यू नहीं, जैसे फाइव का वैल्यू थोड़ी ना निकालते हो, उतनी तरह पी क्यू का वैल्यू नहीं निकालना। पी यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है, क्यू यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है, वो ना फाइनल आंसर में वैसा ही रहेंगे, पी क्यू वैसा का वैसा रहेंगे, वो कॉन्स्टेंट है, उनको यूज करना है खाली। मेरे पास समझ रहे हो? पी क्यू के अलावा, पी क्यू के अलावा बाकी जो भी आप यूज करोगे वैल्यू पुट करोगे, मतलब और कोई वेरिएबल यूज नहीं करोगे, सिर्फ पी क्यू कॉन्स्टेंट गिवन है तो पी क्यू को यूज करोगे, बाकी कोई अननोन यूज नहीं करना है। मेरे पास समझ रहे हो? मतलब अननोन का वैल्यू निकालना है, क्लियर यहाँ तो बेटे? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो बेटे पहले हम देख लेते हैं कि दिया क्या है और निकालना क्या है। बेटे उसने दे रखा है गिवन कि एपी का फर्स्ट पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू उसका फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम, और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट ना, सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स है ना, ये निकालना है। यस सर, ये गिवन कंडीशन है और ये निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लास्ट को जब आप सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स निकालोगे, आप तो पता है कि nth फर्स्ट एन टर्म्स का सम का वैल्यू क्या होता है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? तो इसी हिसाब से अगर सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का वैल्यू निकालने जाएं तो क्या होगा, p प्लस क्यू बाई टू, अरे बेटा n का जगह p प्लस क्यू लिखा, यस सर, टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू, अरे मेरी बात समझ रहे हो, यही होगा आपका। लेकिन लेकिन
इसमें पी क्यू ठीक है क्योंकि पी क्यू गिवेन है, दे आर कॉन्स्टेंट्स, लेकिन ए एंड डी का वैल्यू आपको निकालना होगा क्योंकि ए डी तो क्वेश्चन में नहीं दिया था ना, वो अननोन पैरामीटर है, वो वेरिएबल है, उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, देर वेरिएबल्स, उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा, जबकि पी क्यू आर कॉन्स्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है, मेरे पास समझ रहे हो, वैसा का वैसा रहेंगे। अरे क्लियर? यस सर। ओके आगे आगे चलते हैं। ओके तो सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, और आपको पता है कि एन टर्म का सम का फॉर्मूला यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, आपको ये भी लिखना होगा कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो बेटे इसका फर्स्ट पी टर्म का सम क्या होगा बेटा, बताओ, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस, अरे बताओ रे, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी सॉरी इज इक्वल टू क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस, हाँ यस। How did you know that the first term of both the APs are same? यहाँ पर दो दो एपी नहीं है, सेम एपी, एक ही एपी है, अरे एक ही एपी है। If the sum of the first terms of an AP is equal to sum of the Q terms, मतलब एक एपी का P terms and Q terms का sum equal है, एक ही एपी है यहाँ पर, मेरे को समझ रहे हो, एक ही एपी है। अच्छा और कितनों को डाउट है, दो दो एपी कोई और कौन समझ रहे हो, एक ही एपी है भाई, सबको समझ आ रहा है, एक ही एपी है। यस सर। हाँ ओके आगे चलते हैं। अच्छा तो बड़े देखो दोनों साइड में ये टू डिवाइड हुआ कट जाएगा, राइट, दोनों साइड में डिनोमिनेटर से टू कट जाएगा, मेरे पास समझ रहे हो? यस सर। कितनों को नहीं समझ में आ रहा यहाँ तक बताओ, सबको समझ में आया बेटे? हेलो, टू टू कट गया। यस सर। ओके यस बेटे, बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, बेट क्या होगा ये 2ap प्लस बेटे p माइनस 1 इंटू पी डी, अरे मैं बात समझ रहे हो, अरे समझ गए, यस सर, इज इक्वल टू बेटे यहाँ पर क्या होगा बेटे 2aq सॉरी 2aq प्लस q माइनस 1 इंटू क्यू डी, अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर? यस सर। ओके अब देखो बेटे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना ये सारे मतलब ए टर्म्स को इस साइड में ले आएंगे एंड डी टर्म्स को इस साइड में लाएंगे, एंड आई थिंक ये सवाल में हमें ए एंड डी का वैल्यू सेपरेटली निकालना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बताऊंगा अभी, बट यहाँ तक आप सबका क्लियर हुआ कि मैं शुरू से समझाऊँ फिर से, यहाँ तक सबका क्लियर हुआ, यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? यस सर। बेटे यहाँ पर जो चाहिए ना आपको, यहाँ पर जो आपको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, वो शायद यहीं से भी डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, देखो हम क्या करते हैं, सारे ए को इस साइड में ले आते हैं, सारे डी वाले को और दूसरे साइड में ले आते हैं, ठीक है? तो बेटे यहाँ पर लिखा है 2ap, ये अगर इस साइड में जाते हैं क्या होता है, माइनस 2aq, अरे समझ रहे हो? यस सर। इज इक्वल टू बेटे इसको इस साइड में लेते हैं q माइनस वन इंटू क्यू डी माइनस पी माइनस वन इंटू पी डी, ठीक है? ओके यस सर। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ जिसको वैल्यू निकालने के लिए है, एक्चुअली क्या जिसका वैल्यू निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड दिस, और ये क्या है बेटे ना, p प्लस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस, अरे बताओ, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू निकालना है, अरे समझ रहे हो, इसी का वैल्यू निकालना है? यस सर। ओके देखते हैं बस। ओके हाँ तो बेटे इस साइड में आपका 2a कॉमन आ जाएगा, देख रहे हो 2a कॉमन आ गया, कॉमन आने से क्या रहेगा बेटे, p माइनस क्यू, अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ओके बेटे इस साइड में से d कॉमन ले आओ, और d कॉमन लेने से क्या बचेगा बेटे, q माइनस वन इंटू क्यू
minus p minus 1 into p. That implies 2a into p minus q is equal to d into, बेटा अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दे तो q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर, अरे समझ रहे हो? यस सर। कितनों को समझ में आया यहाँ तक? सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो देखो बेटे आपका लेफ्ट हैंड साइड में p माइनस q सबको दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे क्या राइट हैंड में कुछ p माइनस q कॉमन कॉमन जाएगा क्या, कट जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? चलो देखते हैं जरा। अच्छा देखो ये p माइनस q है ना, p माइनस q सबको दिख रहा है, ये p माइनस q है। यस यस ओके। और बेटे यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर सबको दिख रहा है बेटे, सबको क्लियरली? यस 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 तो p माइनस q कॉमन। हां कितनों को समझ नहीं है बताओ, कितनों को समझ में नहीं है बताओ, बिल्कुल नहीं समझ में कितनों बताओ, समझ में आया सबको? यस सर यस सर यस सर। हां तो d into p माइनस q माइनस बेटी ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या होता है, p प्लस q इनटू p माइनस q है ना भाई? यस सर। अब देखो बेटे कि ये जो दो ये हैं इनमें से हम p माइनस q टर्म को कॉमन ले सकते हैं? यस सर। अच्छा यहाँ से p माइनस q चला जाएगा तो 1 माइनस p प्लस q और ब्रैकेट के अंदर p प्लस q रहेगा है ना? यस सर। ब्रैकेट के अंदर भी प्लस क्यू रहेगा, क्लियर? यस सर तो बेटे दोनों साइड से पी माइनस क्यू काट देंगे तो बेटे 2a इज इक्वल टू डी इनटू बेटे 1 माइनस पी माइनस क्यू, अरे समझ रहे हो? हेलो यस सर। अच्छा बेटे तो अगर इसको इस साइड में ले आए तो 2a माइनस d into 1 minus p minus q is equal to 0, isn't it? इसको इस साइड में ले आ। Yes, समझ रहे हो? अच्छा जरा देखो आपको जो निकालना है, आपको निकालना है क्या बेटा, सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म, उसका क्या निकालना है, मतलब p प्लस q बाई 2 into 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 into d, राइट? ठीक है? तो बेटे देखो यहाँ पर डायरेक्टली 2a के प्लेस में वो वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ माइनस को लेके अंदर मल्टीप्लाई कर दे या फिर माइनस को अगर प्लस कर दे, अगर ये माइनस को लेके अंदर मल्टीप्लाई कर दे पी क्या हो जाएगा, माइनस वन ये प्लस पी ये प्लस क्यू है ना बेटे? अरे समझ लो आप जरा देखो, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले आओगे तो होगा, अगर इसमें से माइनस कौन तो माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन होगा कि नहीं भाई? यस सर। हाँ तो जरा देखो आ गया कि आपका 2a प्लस पी प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन टू डी आ गया, ये आएगा ठीक है? दोनों साइड में खाली मल्टीप्लाई कर देते हैं p प्लस क्यू बाई टू, क्लियर? यस सर। जीरो में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो जीरो है ना, तो बेटे ये है। yes, हाँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, मल्टीप्लाइंग पी प्लस क्यू बाई टू ऑन बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। तो अच्छा ये क्या है बेटे, सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स है ना, विच इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये एक फॉर्मूला भी है, ये क्या है बेटे, एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है कि अगर एपी का पी नंबर ऑफ टर्म्स का सम इज इक्वल टू क्यू नंबर ऑफ टर्म्स का सम तो उसका पी प्लस क्यू टर्म्स का सम इज इक्वल टू जीरो, एक फॉर्मूला भी है एंट्रेंस के लिए ठीक है ना, एंट्रेंस के लिए एक फॉर्मूला के तरह आप याद रख सकते हो कि अगर एक एपी का पहला पी टर्म्स का सम इज इक्वल टू पहला क्यू टर्म्स का सम तो उसका पहला पी प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या होगा, जीरो जीरो होगा ठीक है, याद रखोगे? यस टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, डन डन ओके।
तो यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से निकल गया हमें नो सर, थोड़ा पहले से स्क्रीन से शुरू से यहाँ पर हमें ए डी का वैल्यू वगैरह कुछ नहीं निकालना पड़ा, राइट। हमें ए डी का वैल्यू नहीं निकालना पड़ा, बिल्कुल ए डी का वैल्यू नहीं निकालना पड़ा। डायरेक्ट मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन था उसी को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। मेरे पास समझ रहे हो, हम कहीं पर ए डी का वैल्यू निकाले हैं क्या? नो सर, नहीं निकाले। जो चाहिए वो था, जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके मिलता गया। ओके अच्छा, एक्चुअली में हम यहाँ पर ए एंड डी का वैल्यू निकाल भी नहीं सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे, कौन बताएगा? क्योंकि p plus q यहाँ पे कांस्टेंट है। नहीं, वो नहीं, यस सर। नहीं, दो वेरिएबल, जैसे एक्स वाई दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अगर मैं आपको एक्स वाई को लेकर एक इक्वेशन दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा 3x plus 4y is equal to 5, find the values of x and y. अभी इसका तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। मैं अगर और एक इक्वेशन इसके साथ देता हूँ तो आप इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का कॉमन वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो ए डी का वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, जबकि यहाँ पर हमें एक ही इक्वेशन बस गिवन है कि एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, एक ही इक्वेशन है। और ये एक ही इक्वेशन से ए डी का वैल्यू निकाल भी नहीं सकते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली हम यहाँ पर इसी को सिंप्लीफाई करते हुए जो चाहिए वो मिल गया, फॉर्चुनेटली। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? हेलो, अभी समझे? यस सर। हाँ, तो इतना चीज़ों का ध्यान रखो। यस सर। ये गया। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, मैं खाली याद दिलाते हूँ बेटे, यहाँ पर हमने क्या किया, सारे ए को एक साइड में ले आए, देखो यहाँ से सारे ए टर्म्स को एक साइड में ले आए, बी टर्म्स को राइट को ले आए, ठीक है। इसमें से ये एक टू ए कॉमन लिए, इसमें से डी कॉमन लिए, फिर इसको खोले, देखो ऐसा हुआ, फिर इसमें से पी माइनस यू कॉमन लिए, पी माइनस यू कट गया, फिर आगे आपको पता है, आगे का स्टोरी आपको पता है, ठीक है। ओके, यस। सो लेट मी रेज इट कम्प्लीटली, यस कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये यहीं पर एक सेकेंड, जरा रुको, खाली जरा रुको। अच्छा, अगर मुझे आप खाली 5 मिनट दोगे, 5 नहीं 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में पक्का छोड़ दूंगा, 10 मिनट में मैं खाली आपको अरिथमेटिक मीन समझाता हूँ, 10 मिनट में छोटा सा पोर्शन में, ताकि नेक्स्ट क्लास से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करें, चलेगा? यस सर, यस सर, चलेगा। तो ओह खाली अरिथमेटिक मीन पढ़ लेते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, किनको ऑब्जेक्शन है बताओ, अगर किसी एक को भी ऑब्जेक्शन है मैं बंद कर दूंगा। ऑब्जेक्शन किसको है? ओके, अरिथमेटिक मीन है ना बेटा। अरिथमेटिक मीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। वो क्या है बेटे, पहला बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो बेटे, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन उनका एवरेज होता है, कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन उनका एवरेज होता है, ये हम स्कूल में भी पढ़े थे। लेकिन एक्चुअली में अरिथमेटिक मीन होता क्या है, नाइफ कैपिटल ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। मानो हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, और कैपिटल ए मानो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है, ए बी का अरिथमेटिक मीन मानो कैपिटल ए है, तो इसका मतलब क्या होता है, देन इसका मतलब क्या होता है, ना ये जो स्मॉल ए और ए बी के बीच में जो अरिथमेटिक मीन है जो कैपिटल ए और ए बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर बेटे दो नंबर ए बी के बीच में ये अरिथमेटिक मीन है, तो इसका मतलब ये जो दो नंबर और ये बीच में जो ए, मेरे पास समझ रहे हो, ए कैपिटल ए बी, ये के एफ पी है, मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? हेलो हेलो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, यस बेटा, आप सबको पता है कि
वन कमा थ्री कमा फाइव ये एक एपी है राइट, दिस इज एन एपी, और ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, टू है राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि थ्री इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन वन एंड फाइव। अरे मेरे बात समझ रहे हो, थ्री वन फाइव के बीच में अरिथमेटिक मीन है। यस सर, यस सर, यस सर, वन थ्री फाइव इन एपी, एक एपी है। अब बात आता है कि एपी निकाले कैसे, सॉरी अरिथमेटिक मीन निकाले कैसे। तो देखो बेटे, ए का वैल्यू होगा ए प्लस बी बाई टू, अरिथमेटिक मीन का वैल्यू होगा दोनों नंबर का सॉम डिवाइड बाई टू। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखते हैं बेटा। हमें पता है कि ए कैपिटल है बी इन एपी राइट, क्योंकि ए, क्योंकि ए इनका अरिथमेटिक मीन है राइट, ए इनका अरिथमेटिक मीन है ठीक है। यस सर, यस बेटा, अगर ये का अरिथ, ये अगर एपी है तो इसका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब ए माइनस स्मॉल ए विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, बी माइनस कैपिटल है ना भाई, सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस। अगर ये माइनस ए को इस साइड में ला के ए के साथ ऐड कर दे तो ये हो जाएगा टू कैपिटल ए, और ये माइनस ए को इस साइड में लेंगे तो ए प्लस बी, तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा ना। मेरा बात समझ रहे हो? काम खत्म, ऐसे ही अरिथमेटिक में निकलता है ए प्लस बी बाई टू। अब देखो ये तो था इजी, अब आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी चीज पर। हाँ, यहाँ पर एक नोट लिख लेता हूँ, नोट लिख लेता हूँ कि द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एवरेज। मेरे पास समझ रहे हो, दोनों नंबर का एवरेज बिटवीन टू नंबर्स है ना, दो नंबर के बीच में जो अरिथमेटिक मीन उनका एवरेज होता है ना, ए बी का एवरेज क्या होगा भाई, ए प्लस बी टू होगा ना उनका एवरेज। हेलो, अब हम एक और एक चीज पढ़ेंगे क्या, देखो बेटा अब हम क्या पढ़ रहे थे कि ए बी दो नंबर और उनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़े। अब हम ए बी दो नंबर के बीच में एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं यहां पर पहले हेडिंग देता हूं कि मल्टीपल अरिथमेटिक मीन्स, मल्टीपल एम्स, हाँ एम्स मतलब अरिथमेटिक मीन, मल्टीपल अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है उसका मतलब, कि मानो लेट कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू कैपिटल ए थ्री डॉट 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 अप टू कैपिटल ए एन बी एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। मेरे बात समझ रहे हो, कि मानो कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू ऐसे करके कैपिटल ए एन तक, हाँ कितने कितने ही हैं, कितने नंबर्स हैं बेटे, एन नंबर ऑफ नंबर्स है, हाँ यस सर, मानो दीज आर एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इसके पहले हम ए बी के बीच में एक ही अरिथमेटिक मीन निकाल रहे थे कैपिटल ए, और यहाँ पर हम ए बी के बीच में एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना, देन स्मॉल ए कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू कैपिटल ए थ्री डॉट डॉट अप टू कैपिटल ए एन कॉमा स्मॉल बी आर इन एफ पी। अरे मेरे बात समझ रहे हो, वही चीज है, ये भी एक एफ पी होंगे। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, क्लियर? यस सर। कितनों को नहीं समझ आया? यस सर। ओके, यस सर। अब सवाल ये है कि अगर दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन पूछा जाए तो मैं सिंपली दोनों को ऐड कर, हाँ यू डू अंडरस्टैंड, कहाँ पर बताओ, द लास्ट पॉइंट। हाँ, मतलब अगर स्मॉल ए स्मॉल बी अगर ये दोनों के बीच में दीज आर द एन अरिथमेटिक मीन्स, अगर ये सब अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब ही, जैसे वहां पर ना था ना स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में ए अरिथमेटिक मीन था तो ये तीनों एपी में थे है ना, yes, उसी तरह अगर ये दोनों नंबर के बीच में ए वन से लेके ए एन तक ये सब अरिथमेटिक मीन है तो
तो पक्का ए ए वन ए टू डॉट 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 अप टू एन कॉमा बी ये क्या होंगे कि पी होंगे। अब समझ में हेलो यस और कितनों का डाउट है बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ आगे चलो एवरीबॉडी गॉट इट जोड़ा दले अच्छ जोड़ा डाउट पचार न डाउट रहुची खाली स्कूल खोलू एमती कुटी मैंने खाली कुटुना खाई खाई तुम पलब इलेवेन्थ लास्ट पड़े पूरा कुटुना खाई है मैंने इसको गवर्नमेंट स्कूल मत समझो बेटे कि यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा आपको। गवर्नमेंट नहीं है बेटा यहाँ प्राइवेट है। गवर्नमेंट होता तो हाँ कुछ नहीं करते। प्राइवेट है बेटा अगर नहीं पढ़ोगे ना तो खाओगे कुटा खाओगे बहुत कुटोगे। ओके तो ये के पी है। तभी सवाल ये है कि हम जब दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन का वैल्यू निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे दोनों नंबर को ऐड करके टू में डिवाइड कर लेते एन अरिथमेटिक मीन ये सब अरिथमेटिक मीन का वैल्यू निकालना है वो कैसे निकालेंगे तो ठीक है वो पढ़ते हैं मेरे पास समझ रहे हो। तो इंसर्शन ऑफ हेडिंग देते हैं इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बेटे पनिशमेंट कैसा होता है पता ही नहीं आपको बोलाएगा कान पकड़ोगे ठीक है कान पकड़ोगे पूरा स्कूल का जो बाउंड्री है ना बाउंड्री में दो 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 बार पूरा दौड़ 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 दो तीन बार दौड़ 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 के आओगे और मैं देखूंगा अगर कोई मतलब टायर्ड नहीं हुआ है तो और चार पाँच बार दौड़ाऊंगा मेरे पास समझ रहे हो ना वैसा वैसा भयंकर से भयंकर पनिशमेंट आप समझ सकते हो कान पकड़ के पूरा दौड़ोगे कान से हाथ नहीं निकलना चाहिए पूरा मतलब कॉरिडोर में पूरा खड़े हो गए आधा घंटा पूरा कान पकड़ के सबके सामने खड़े हो गए एंटायर स्कूल के सामने खड़े हो गए। अगर ज़्यादा गुस्सा हुआ तो पूरा मतलब गेट के सामने खड़ा किया जाएगा तो उस हिसाब से पढ़ाई करते रहो है ना चिट्टी विटिंग नहीं आए पर बेटे। ओके तो बेटे पढ़ते हैं कैसे हम ए बी दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें। तो लेट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन बी एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी अरे समझ रहे हो यस सर हाँ लास्ट 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 खाली पढ़ लेते लास्ट खाली तो इसका मतलब हमें क्या पता चला देयर फोर स्मॉल ए फिर उसके बाद ये जो सारे अरिथमेटिक मीन ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट अप टू एन कॉमा बी इज एन एपी ठीक है पी। अच्छा अब मेरा सवाल आपको ये है कि क्या मुझे कोई आप से बता सकता है कि एपी में कितने टर्म है अभी ये एपी में कितने टर्म है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी सर एन प्लस टू एन प्लस टू एन प्लस टू भाई देखो yes, बीच में एन नंबर ऑफ टर्म्स है ये एक और एक ये और एक दो एन प्लस टू नंबर ऑफ टर्म्स सबको दिख रहे हैं यहाँ पर देर आर एन प्लस टू नंबर ऑफ टर्म्स यस सर तो मुझे कोई बता सकता है कि लास्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे लास्ट टर्म का पोजीशन क्या है बेटे एन प्लस टू लास्ट टर्म का पोजीशन ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एपी का एपी का देख लो बेटे एपी का ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है थर्ड टर्म है फोर्थ टर्म ऐसे हो के बी का पोजीशन क्या है बेटे एन प्लस टू है ना क्योंकि देयर एन प्लस यस सर तो मतलब इस एपी का एन प्लस टू टर्म का वैल्यू क्या है बी है अरे समझ रहे हो हेलो यस सर ओके और ये एपी का जो फर्स्ट टर्म वो क्या है बेटे बताओ ए है राइट एंड लेट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी मानो एपी का कॉमन डिफरेंस है डी मेरे पास समझ रहे हो मानो एपी का कॉमन डिफरेंस डी टी वन तो आप ये देख रहे हो फर्स्ट टर्म देख रहे हो तो हमें बताया कि कोई भी एपी का एनथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो बेटे एन प्लस टू टर्म का वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या होगा ना फर्स्ट टर्म और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है बेटे वही ए है देख रहे हो वही ए है देख रहे हो यस सर
ए होता है बेटा फॉर्मूला वाला, ए होता है फर्स्ट टर्म, और हमारे भी यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए भी है ना, तो ए प्लस, जब एन एथ टर्म निकालोगे तो एन माइनस वन, पोजिशन जो है उससे एक माइनस कर दोगे, एन माइनस वन, एन प्लस टू है तो क्या करेंगे, एन प्लस टू माइनस वन, अरे समझ रहे हो, अगर यहाँ पर एन प्लस टू लिखूंगा, अगर यहाँ पर एन प्लस टू लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर फ्रॉग लिखूंगा तो एन का जगह फ्रॉग लिखोगे तो एन का जगह एन प्लस टू लिखोगे, अरे मेरी बात समझे, तो बेटे ए प्लस, बेटे ये क्या हो गया बेटे, सर अगेन प्लस, हाँ कहाँ पर बताओ, कहाँ पर बताओ, कौन सी जगह, ये जगह सर फ्रॉम एन प्लस टू, फ्रॉम नो सर फ्रॉम एन प्लस टू, अच्छा अच्छा यहाँ पर हाँ ये बोला कि आप जो फॉर्मूला में, फॉर्मूला जो nth टर्म का फॉर्मूला है, यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला में एन का जगह ओझा लिख दूँ, ओझा तो टर्म इज इक्वल टू ए प्लस ओझा माइनस वन इंटू डी, मेरे पास समझ रहे हो, तो यहाँ पर एन का जगह जो भी लिखूंगा यहाँ पर भी एन का जगह वही लिखेंगे, तो यहाँ पर एन का जगह अगर मैं एन प्लस टू लिखता हूँ तो यहाँ पर एन का जगह क्या लिखूंगा बेटे, अरे देख रहे हो एन प्लस टू, हेलो सर वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू टर्म, एन प्लस टू बिकॉज एन प्लस टू 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 एन प्लस टू टर्म का वैल्यू बा बी है, आप जरा देखो ये जो एपी है ये एपी में टोटल कितने टर्म है, अच्छा एक एक बात बताओ, अगर एक एपी में पांच टर्म होते हैं, अगर एपी में देर आर फाइव टर्म्स, तो उस एपी का लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन सा नंबर वाला टर्म है, फिफ्थ टर्म है ना बेटे उसका लास्ट टर्म, अरे समझ रहे हो, यस सर, अरे हाँ तो ये एपी में एन प्लस टू टर्म से, तो इसका लास्ट टर्म बी है, तो बी कौन सा वाला टर्म होगा, एन प्लस टू टर्म होगा राइट, तो बी इज इक्वल टू एन प्लस टू टू टर्म, और समझ आया, यस सर, ओके, तो बेटे क्या हो गया टू माइनस वन वन, तो बेटे एन प्लस वन इंटू डी क्या होगा, बी माइनस ए, तो d का वैल्यू क्या होगा, b माइनस है भाई n प्लस वन, तो इसको बॉक्स में रख देते हैं, अरे मेरे बात समझ रहे हो, यस सर, तो याद रखो यहां से हमें क्या निकला, कि अगर दो नंबर के बीच में हम n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद जो ap फॉर्म होता है वो ap का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, ना b माइनस ए बाई एन प्लस वन, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है ना, यस नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, जैसे हम यहाँ पर दोनों के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे थे है ना, तो n इज हाँ बिटवीन ए एंड बी, n नंबर अरिथमेटिक, तो इसी को लेके क्वेश्चन खाली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटे देखो आप चाहो तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई भी ना करके भी कर सकते हो, बताऊंगा कैसे, फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं ठीक है, इंसर्ट, अरे समझ रहे हो, यस सर, ये लास्ट और नहीं, इंसर्ट फाइव, फाइव नहीं थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, टाइम भी नहीं है, तीन ही करते हैं, इंसर्ट थ्री अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन वन थ्री फाइव इलेवन, हाँ वन एंड इलेवन, अरे समझ रहे हो, हेलो हाँ यस सर, यस सर, तो ये सवाल को हम दो मेथड में करेंगे, मेथड वन में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और मेथड टू में ट्रेडिशनली करेंगे, देखो मेथड वन में हम क्या करेंगे कि हमें वन एंड इलेवन के बीच में तीन अरिथमेटिक मीन चाहिए, और लेट वो अरिथमेटिक मीन सर ए वन ए टू ए थ्री, लेट द थ्री एम्स बिटवीन वन एंड इलेवन आर ए वन ए टू ए थ्री मान, तो बेटे जब हम, तो बेटे पक्का ये क्या होगा कि वन देर फोर वन ए टू ए थ्री कॉमा इलेवन ये एक एपी होगा, अरे समझ रहे हो, और ये एपी का एक कॉमन डिफरेंस होगा, ये एपी का एक कॉमन डिफरेंस होगा है ना,
तो बेटा कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस जब हम मतलब जब एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहते हैं तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी पढ़े थे ना, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन है ना बेटे, समझ रहे हो, पर एन इज द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। बिटवीन ए एंड बी, ए बी जो दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर ए क्या है बेटे वन है, बी क्या है बेटे इलेवन है, और एन क्या है बेटा कितना अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हो, एक दो तीन, तीन 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 अरिथमेटिक मीन सवाल पूछा है ना मेरे पास, समझ रहे हो। यस सर, यस। तो बेटा डी का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ, 2.5 11 माइनस 1 बाई, अच्छा एक ये अकड़ बजे थी क्या, अच्छा अच्छा 1 3 5 ओह अच्छा अच्छा सोच, मैं 10 करता हूँ इसको, ठीक है 10 करता हूँ, ठीक है अच्छा लगेगा थोड़ा, अरे समझ रहे हो। हेलो हेलो हेलो, यस सर, आयुष रागी, आयुष आयुष रागी वाला हूँ बोले, आयुष रागी नो सर, अरे आगे वाला सर कहाँ ही कितने थोड़े रिपीट कर सकते, नो सर नो सर, खत्म हो गया खत्म हो गया, जल्दी ये लास्ट लास्ट, सॉरी गाइस जस्ट थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, अच्छा ठीक है, तो 9/5 हाँ 10 - 1 डिवाइड बाई 3+1 अच्छा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, नंबर दो अरिथमेटिक मीन कर लेते हैं, दो अरिथमेटिक मीन कर लेते हैं सर, 1 and 9 अच्छा अच्छा 1 and 9 होगा, नहीं 1 and 9 होगा, ठीक है ना, हाँ 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 1 and 9 कर लेते हैं, बिटवीन 1 and 9 सर आंसर इज 2 जी सर, आंसर इज 2 ओके वन एंड नाइन, अच्छा तो 1 9 इसको कर लेता हूँ, ठीक है, अरे बाकी सब चले गए क्या, सॉरी गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ I'm extremely sorry for today. Sorry क्यों सर? थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? लास्ट है 9 है ना? B is equal to 9. Yes sir 9. तीन निकाला हाँ। तो B minus sorry 9 - 1 होगा ना? 9 - 1. बड़े n plus 1. तो 3 + 1. Plus 1 sir 8/4 that is 2. तो common difference आ गया 2. तो बेटे अब हम कैसे निकालेंगे देखो, तो बेटे हमें पता है कि हाँ, तो बेटा अभी देखो ये जो कैपिटल लेवन है ना, ये जो कैपिटल लेवन, अब देखो बेटे ये एक एपी है राइट, दिस इज एन एपी, ये एपी है, और एपी का ये ए वन जो है इसका वैल्यू में अगर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, वन में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा मेरे पास, समझे हो, क्योंकि वन के बाद में तो है, yes, ना? Yes, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया है, 2 निकल गया राइट सर, 3 सर, देन 5 देन 7 हाँ, तो ए टू का वैल्यू क्या होगा बेटे, ए वन में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, और ए वन निकल गया 3 3+2 5, अरे सब समझ रहे हो, यस सर, यस सर, सर देन द 7 हां, तो ये एक हो गया, ऐसे ही हम निकाल देंगे, ट्रेडिशनल मेथड क्या है देखो बेटे, खाली देख लो कि जो हमें जो दे रखा है ना बेटे, वन ए वन ए टू ए थ्री 9 है ना, ये जो एक एपी है ना, अरे समझ रहे हो, इट इज एन एपी, यस सर, ओके यस सर, तो मुझे बात बताओ बेटे, यहाँ पर ये जो 1 इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म है इसका राइट 1, यस सर, और बेटे जो कैपिटल ए वन क्या होगा, ए प्लस डी, कैपिटल ए टू क्या होगा सर, ए प्लस टू डी, हाँ ए प्लस, ए प्लस डी, ए प्लस डी मतलब क्या होगा बेटे, 1 प्लस डी है ना, कैपिटल ए टू क्या होगा बेटे, ए वन प्लस डी, यस सर, और ए वन क्या है बेटे, 1 प्लस, हाँ यस, प्लस डी, 1 + 2d, यस सर, ए थ्री क्या होगा बेटे सर, 1 + 3d, 1 + 3d, हाँ, और 9 क्या होगा, और एक इसमें डी ऐड करोगे ना, 9 उसके बाद आए सर 4d, 4d, हाँ, तो आ गया आपका 9, हाँ आपका आ गया आपका 9 इज इक्वल टू 1 + 4d, तो 4d क्या होगा, 9 - 1 इज इक्वल टू 8, सर 1 दैट इज 8, सर d इज इक्वल टू 2, हां तो d आ गया 2, अभी खाली वैल्यू डाल देंगे इधर, a1 क्या होगा, देयरफॉर a1 1 + d 1 + 2 3 देन 5 देन 7 यस ओके सर, हां यस, नहीं तो आओ, आप जल्दी करो, हां सर, पहले
हम 1 + 9/2 कर देते हैं तो फिर 5 आ जाता सर। वैसे सर 1 कमा है वो लेंथी वो लेंथी वो लेंथी होगा बहुत लेंथी होगा लेंथी होगा लेंथी होगा गॉट इट। ऐसे ही करोगे फॉर्मूला आगे करोगे ठीक है। यस सर टेक दिस स्क्रीनशॉट। चलो आज इतना ही, फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड जाओ। और मुझे भी मैं भी इतना टाइम नहीं देखा, बहुत ज़्यादा हो गया, 10 से 11 मेरी बाप रे इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा ठीक, टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। डन। अरे भाई मैथ टीचर, मैथ्स टीचर थोड़ा पागल किस्म के होते हैं, उनको थोड़ा टाइम वाइम पता नहीं चलता है, पता है कि नहीं। टेकी 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 डन सर। डन सर। अच्छा टेकी 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 टेकी। वो एक फेसबुक, हाँ वो एक फेसबुक में एक पोस्ट में देखा था, एक कॉमेडी पोस्ट पर स्टूडेंट ने पोस्ट किया था कि मतलब और एक मतलब एक टीचर एबसेंट थे, तो टीचर एबसेंट थे तो बोला गया छुट्टी हो जाएगा, तो मैथ टीचर आके बुक लेके पहुंच गए क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए स्टूडेंट। समझ रहे हो, मतलब टीचर एबसेंट थे तो छुट्टी होने वाला था, लेकिन मैथ्स टीचर आके पहुँच गए कि थोड़ा पढ़ा लेते हैं। तो लगता है, अरे हमें पता है क्या लग रहा होगा आपको कि क्या करेंगे, पढ़ाई तो करना पड़ेगा लाइफ के लिए। हैं ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू सर, 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 वेलकम, थैंक यू सर।